गौड की में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर रैली भरपूर तरीके से निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स, पंपलेट और कश्मीर के झंडे हाथों में उठा रखे थे। शुरका ने भारतीय फौज और इंतहा पसंद हिंदू मोदी सरकार के खिलाफ पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारेबाजी भी की। रैली के इख्तिताम पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद इसहाक लिगारी और मौलाना गुलाम रसूल फारूकी ने कहा कि हम 5 फरवरी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हर साल इसी जोश जज्बे के साथ कश्मीरी भाइयों से हमदर्दी के तौर पर यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, जबकि कश्मीरी भाइयों समेत अक़वामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को पैगाम दें कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ शाना बाशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और इस ज़मन में बड़े से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने आज़ादी हासिल करने के लिए एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है और मर्द और ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत कई जानों के नजराने दे चुके हैं जो कि ज़ाया नहीं होंगे और उनका खून ज़रूर रंग लाएगा। उन्होंने कहा कि 70 साल का अरसा गुजर रहा है, कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है और कश्मीर पाकिस्तान की शेराग है। हम किसी भी कीमत पर कश्मीर की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए खसूसी दुआ की गई। मीडिया रिपोर्ट फिदा हुसैन रिंद, पाक एशिया न्यूज़ टीवी, उबाड़ो।